गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार स्वतंत्र प्राइवेट आईटी के डिजिटल क्लासेस में। और मेरा आज का टॉपिक है सेक्शन भाग। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम था हम लोग का डायमेंशन टेक्नोलॉजी, और डायमेंशन टेक्नोलॉजी का आज लास्ट क्लास है। तो हम लोग आज लास्ट वाला चीज जान लेते हैं कि इसमें लास्ट में क्या क्या दिया हुआ है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि कुछ महत्वपूर्ण आकृतियाँ थी जिसका हम लोग को डायमेंशन दर्शाना था, और उस डायमेंशन को दर्शाने के लिए सीखना था। तो उसी में से एक है यहाँ पर आपका सेक्शन भाग। सेक्शन भाग होता क्या है कि कोई भी जब हम जॉब को बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, तो उस पे एक कटिंग प्लेन लाइन का प्रयोग हम लोग कभी कभार करते हैं, जहाँ पर वो दर्शाना होता है, हमको कटा हुआ भाग दर्शाना होता है, या किसी ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांटना होता है या काटना होता है, तो हम कटिंग प्लेन लाइन का प्रयोग करते हैं। तो जब कटिंग प्लेन लाइन का प्रयोग करते हैं तो वो कटे हुए भाग को दर्शाने के लिए हम सेक्शनिंग लाइन का प्रयोग करते हैं। और देखिए किस प्रकार से हम सेक्शनिंग लाइन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये एक आपका गोल ऐसा रॉड है, लोहा का जॉब बना हुआ है इस तरह से, ये देखिए। और इस पे हम क्या करेंगे, दो भाग में इसको हम बांट देंगे। तो कटिंग प्लेन लाइन का जब हम प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि ये दो भाग में बढ़ जाएगा। अब बढ़ने के बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सेक्शनिंग लाइन का प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं ये बीच में काटा, ये वाला पार्ट मेरा काटा, तो यहां पे एक सेक्शनिंग लाइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस तरह से सेक्शनिंग लाइन का हम प्रयोग किए तो हमको समझ में आया कि ये भाग क्या है, कटा हुआ है। तो उस सेक्शनिंग भाग को हम डायमेंशनिंग में किस प्रकार से दर्शाएंगे, आज हम लोग को ये जानना है। तो देखिए, यहाँ पे हम एक फिगर के सहायता से आपको हम बता देंगे कि सेक्शनिंग भाग में डायमेंशन को कैसे दर्शाया जाता है। तो जनरली हम लोग सेक्शनिंग कैसे दर्शाते हैं, 45 डिग्री एंगल पर रेखा खींचकर दर्शाते हैं, वो भी पतली रेखाएं खींचकर दर्शाते हैं। तो यहाँ पे एक हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस प्रकार से, और इस पर हम सेक्शनिंग लाइन के भाग, सेक्शनिंग भाग पर डायमेंशन को दर्शा के आपको बताएंगे कि देखिए इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ये बीच में आपको बिल्कुल थीन लाइन में डार्क नहीं करना है, और इस पे आपको एरोहेड का निशान लगाना है। जहां पर भी आपका सेक्शन भाग होगा, बीच में थोड़ा सा गैप छोड़कर आपको क्या करना है, डायमेंशन लाइन खींचना है और एरोहेड लगा देना है, और साइड में आपको सेक्शनिंग लाइन का प्रयोग कर देना है। जैसे यहां पर थोड़ा सा गैप छोड़कर, सटाना नहीं है इसमें, ये देखिए ऐसे 45 डिग्री एंगल पे आपको सेक्शन लाइन खींच देना है इस तरह से। तो इस तरह से, और ये बीच में ब्रेक करके यहां पे आपको डायमेंशन को लिख देना है। जैसे मान लेते हैं ये 20 है तो 20 लिख देना है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन लाइन को, सेक्शन भाग पर डायमेंशनिंग को दर्शा सकते हैं, बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका टेढ़े मेढ़े भाग। अब टेढ़े मेढ़े भाग होता क्या है कि जैसे हम लोग कोई भी जॉब को बनाते हैं तो क्या होता है कि कोई जॉब टेढ़ा भी होता है। देखिए किस तरह से, मान लेते हैं कि ये मेरा एक जॉब है, यहां पे देखिए ऐसे एक जॉब मेरा बना हुआ है, ये एक जॉब बना है, लोहा का टुकड़ा है या पत्थर है या लोहा का या लकड़ी का ही बना है मान लेते हैं। तो ये जो भाग है, इस भाग पर हम डायमेंशन को कैसे दर्शाएंगे, तो इस भाग पर हम डायमेंशन को कैसे दर्शाएंगे, ये देखिए। तो ये जो डायमेंशन, इसमें जो डायमेंशनिंग का हम लोग क्रिया करेंगे, बिल्कुल ये चित्र के अनुसार से ही डायमेंशन को दर्शाएंगे। जैसा आपका चित्र है आपको उसी प्रकार से डायमेंशन को दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऐसा चित्र बना हुआ है, तो इस पे हम डायमेंशनिंग लाइन ऐसे खींचेंगे और यहाँ एरोहेड लगाएंगे, और जितना भी होगा यहाँ से, यहाँ उतना हम उसको
माप देंगे। जैसे यहां पे देखिए टेपर में दिया हुआ है, टेढ़ा दिया हुआ है, इसको हम कैसे करेंगे, इस प्रकार से खींचेंगे। ये देखिए ये बन गया यहां पर। अब यहां पर है तो इसको ऐसे खींच देंगे, तो बिल्कुल चित्र के अनुसार से ही डायमेंशन को आपको यहां पर बनाना है। जैसे ये डिग्री पे बना लेते हैं, 120 डिग्री कुछ भी बना लेते हैं, ठीक है, अभी मान लेते हैं। तो इस प्रकार से टेढ़े मेढ़े भाग का आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशन को दर्शा सकते हैं। ये होता है टेढ़े मेढ़े भाग।